इसके अतिरिक्त हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, हनुमान और कुबेर दोनों नौ निधियों के स्वामी हैं, किंतु उनमें एक अंतर है कि पुराणों में हनुमान जी के चक्र का वर्णन किया जाता है, किंतु उस समस्त धन का मूल्य भी हनुमान जी की मनियों के समक्ष कम है। हनुमान जी में असंख्य हाथियों का बल है, तब विवश होकर हनुमान जी को विवाह करना पड़ा और इसी के आधार पर योद्धाओं को रथी, अतिरथी, महारथी इत्यादि श्रेणियों में बांटा जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता। सर्वप्रथम तो आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो आप जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान को अष्ट सिद्धि और नौ निधियों का स्वामी कहा गया है। इससे पहले हमने एक वीडियो प्रकाशित किया था जिसमें बजरंग बली की आठ सिद्धियों के बारे में बताया गया था। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उनकी नौ निधियों के बारे में बताएंगे। निधि का अर्थ होता है धन या ऐश्वर्य, ऐसी वस्तुएं जो अत्यंत दुर्लभ हो, बहुत ही कम लोगों के पास हो और जिन्हें प्राप्त करने के लिए घोर तप करना पड़े, उन्हें ही निधि कहा जाता है। वैसे तो ब्रह्मांड पुराण एवं वायु पुराण में कई निधियों का उल्लेख किया गया है, किंतु उनमें से भी नौ निधियां मुख्य होती है। कहा जाता है कि हनुमान जी को ये नौ निधियां माता सीता ने वरदान स्वरूप दी थी। तो आइए इन नौ निधियों के बारे में जानते हैं। हनुमान जी की जो पहली निधि है वो है रत्न किरीट। किरीट का अर्थ होता है मुकुट। हनुमान जी का मुकुट अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ है। इसके समान मूल्यवान और ऐश्वर्यशाली मुकुट संसार में और किसी के पास भी नहीं है। औरों का तो क्या कहें, यहाँ तक कि स्वर्ग और देवताओं के राजा इंद्र का मुकुट भी इससे अधिक मूल्यवान नहीं। बजरंग बली की दूसरी निधि है केयूर। केयूर एक ऐसा आभूषण होता है जो पुरुष अपनी बाहों में पहनते हैं, इसे ही भुजबंद या बाहुबंध कहते हैं। हनुमान जी दोनों हाथों में बहुमूल्य स्वर्ण और रत्नों से जड़ित केयूर पहनते हैं। केयूर केवल आभूषण ही नहीं अपितु युद्ध में महाबली हनुमान के लिए सुरक्षा बंधन का भी कार्य करते हैं। हनुमान जी की तीसरी निधि है नुपुर। नुपुर पैरों में पहना जाने वाला एक आभूषण है। बजरंग बली रत्नों से जड़े बहुमूल्य और अद्वितीय नुपुर अपने दोनों पैरों में पहनते हैं। नुपुरों को हालांकि नारियों से जोड़कर देखा जाता है, किंतु नारियों के नुपुर और पुरुषों के नुपुर में अंतर होता है। नारियां सामान्यतः अपने पैरों में जो नुपुर पहनती है उसे ही आज हम घुंघरू के नाम से जानते हैं। इसके उलट पुरुषों के नुपुर ठोस स्वर्ण धातु के बने होते हैं। ऐसे भी मान्यता है कि बजरंग बली के नुपुरों से निकलने वाली आभा से उनके शत्रु युद्ध क्षेत्र में नेत्रहीन प्राय हो जाते हैं। बजरंग बली की चौथी निधि है चक्र। जब भी हम चक्र की बात करते हैं तो हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण याद आते हैं, किंतु आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में हनुमान जी के चक्र का वर्णन भी आता है। कई चित्रों में आपको चक्रधारी हनुमान भी दिख जाएंगे। राजस्थान के अलवर में चक्रधारी हनुमान का मंदिर है और जगन्नाथपुरी में तो अष्टभुज हनुमान की मूर्ति है, जिनमें से चार भुजाओं में वे चक्र धारण करते हैं। तो चक्र भी बजरंग बली की एक निधि है जिसका उपयोग वे युद्ध में कर सकते हैं। हालांकि पुराणों और कथाओं में मुख्यतः बजरंग बली अपनी गदा या अपने बाहुबल से ही शत्रुओं का विनाश करते हैं। हनुमान जी की पांचवी निधि है रथ। रथ योद्धाओं का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र माना जाता है और इसी के आधार पर योद्धाओं को रथी, अतिरथी, महारथी इत्यादि श्रेणियों में बांटा जाता है। हनुमान जी भी दिव्य रथ के स्वामी हैं, जिन पर रहकर युद्ध करने पर उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। हालांकि रामायण के लंका युद्ध में हनुमान के रथ के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि वे भी अन्य वानरों की भांति पदाते ही लड़े थे। इसके अतिरिक्त हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि किसी को परास्त करने के लिए उन्हें किसी रथ की आवश्यकता नहीं। साथ ही हनुमान जी के पास वायुगमन अर्थात उड़ने की शक्ति भी है, जिसके कारण रथ का प्रयोग वे बहुत ही कम करते हैं। महाभारत में भी श्री कृष्ण के अनुरोध पर महाबली हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे थे। हनुमान जी की छठी निधि है मणि। मणि कई प्रकार की होती है और पुराणों में नागमणि, पद्ममणि, नीलमणि इत्यादि का वर्णन आया है। हनुमान जी संसार की सबसे बहुमूल्य मणियों के स्वामी हैं। महाभारत में द्यूत सभा में युधिष्ठिर ने अपने पास रखे धन का वर्णन किया था, किंतु उस समस्त धन का मूल्य भी हनुमान जी की मणियों के समक्ष कम है। हनुमान जी की सातवीं निधि है भार्या। वैसे तो हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी ही कहा जाता है, किंतु पुराणों में हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला का भी वर्णन आता है।
सुवर्चला भगवान सूर्य नारायण की पुत्री थी और सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करने के समय हनुमान ने उनकी पुत्री से विवाह किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ ऐसी शिक्षा थी जो केवल गृहस्थ व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। जब सूर्य देव ने हनुमान को उनके ब्रह्मचर्य के कारण उन विद्याओं को प्रदान करने से मना कर दिया, तब विवश होकर हनुमान जी को विवाह करना पड़ा ताकि वे सूर्यदेव से पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला पर हमने पहले ही एक वीडियो प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। हनुमान जी की आठवीं निधि है गज। गज वैसे तो प्राणी है, किंतु उसकी गिनती दुर्लभ निधियों में होती है। श्री गणेश के धड़ पर महादेव ने गज का मुख लगाकर उन्हें जीवित किया था। समुद्र मंथन से प्राप्त हुई दुर्लभ निधियों में एक गजराज ऐरावत भी थे। गज को गौ, सर्प और मयूर के साथ हिंदू धर्म के चार सबसे पवित्र जीवों में से एक माना जाता है। हनुमान जी की गज निधि को उनके बल के स्वरूप में देखा जाता है। हनुमान जी में असंख्य हाथियों का बल है और उनका बल ही उनकी निधि है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि उनकी इस निधि अर्थात बल के मामले में संसार में कोई भी उनसे अधिक संपन्न नहीं है। महाबली हनुमान की नौवीं और अंतिम निधि है पद्म। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुणयुक्त होता है और साथ ही उनकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों को तार देती है। इसका उपयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। यह सात्विक प्रकार की निधि होती है जिसका अस्तित्व साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। इसी निधि से महाबली हनुमान युक्त है। यही कारण है कि इतने बलशाली होने के बाद भी महाबली हनुमान सत्वगुण से युक्त है। तो रत्न किरीट, केयूर, नुपुर, चक्र, रथ, मणि, भार्या, गज और पद्म, ये महाबली हनुमान की नव निधियां हैं। उनके अतिरिक्त देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास भी नौ निधियां हैं जो मूलतः धन मापन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो इस प्रकार हनुमान और कुबेर दोनों नौ निधियों के स्वामी हैं, किंतु उनमें एक अंतर है। अंतर ये है कि कुबेर वो निधियां किसी को प्रदान नहीं कर सकते, किंतु हनुमान जी इसे योग्य व्यक्तियों को प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए महाबली हनुमान को अष्ट सिद्धि और नौ निधियों का दाता कहा गया है। यक्षराज कुबेर की नौ निधियों के विषय में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।